सभी भक्त जनों को सब प्रेम मिला। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि एक ही जन्म तिथि कई लोगों की होती है, परंतु उनके भाग्य, कर्म, स्वभाव, गुण और उपलब्धियां भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसा क्यों? इससे ही पता चलता है कि ज्योतिष गलत है। देखिए, ऐसा ज्योतिष में नहीं है कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही वहां पर कैलकुलेशन नहीं होता है, कुंडली का निर्धारण नहीं होता है। जो भी जन्म कुंडली बनाई जाती है और जो न्यूमरोलॉजी उसमें देखी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जन्म तिथि से, एक ही जन्म तिथि को, यह मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग जन्मे होंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी जिस दिन जन्मे, उस दिन बहुत सारे बच्चे उसी दिन जन्मे होंगे, लेकिन उनके भाग्य भिन्न भिन्न है, यही आप कहना चाह रहे थे। परंतु जहां वे जन्मे, वहां पर बहुत सारे बच्चे नहीं जन्मे होंगे। तो जन्म तिथि के अलावा प्लेस ऑफ बर्थ भी देखा जाता है, उसके अक्षांश और देशांतर देखे जाते हैं। तो जैसे कि वे जन्मे जहां पर भी, जिस भी प्रदेश में जन्मे, तो जैसे गुजरात में जन्मे तो गुजरात में भी मेहसाना में शायद जन्मे हैं, तो उसी समय तो बहुत सारे बच्चे नहीं जन्मे होंगे वहां पर। और फिर प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के अलावा टाइम ऑफ बर्थ भी देखा जाता है। एक ही समय में, एक ही दिन तो जन्मे, लेकिन क्या एक ही समय में जन्मे? घंटा कुछ और होगा, मिनट कुछ और होगा, सेकंड कुछ और होगा। तो घंटा, मिनट, सेकंड सब देखा जाता है, उसका टाइम भी देखा जाता है। बर्थ टाइम कितने बज के, कितने मिनट, कितने सेकंड में जन्मे, तो वहां फिर देखेंगे कि बिल्कुल ही एक एक व्यक्ति का सिर आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ बर्थ भी देखा जाता है। जन्म के, अगर मान लीजिए कि एक ही अस्पताल में, मान लीजिए जन्मे, एक ही जगह जन्मे, एक ही अस्पताल में, और संयोग से एक ही समय भी जन्मे, एक ही जिले के एक ही अस्पताल में एक ही समय भी जन्मे, लेकिन एक ही समय जन्मने के बावजूद भी आप देखेंगे कि उनकी दिशा अलग हो गई जन्म की। जन्मते समय जब उसकी माँ जन्म दे रही थी, तो बच्चे का सिर किधर था, उसकी दिशा अलग हो जाती है, और उस दिशा का भी नोट किया जाता है कि वो कौन सी दिशा थी। तो इससे भी अंतर आ जाता है। फिर अगर एक ही अस्पताल में भी जन्म रहे हैं, तो मैटरनिटी वार्ड भी जो है वो अलग अलग होंगे, तो उन दोनों का स्थान भी अलग हो गया। वो माइक्रो लेवल पर देशांतर और अक्षांश का अंतर आया, उतना कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन माइन्यूट लेवल पर अगर कैलकुलेशन किया जाएगा, तो एक ही हॉस्पिटल के अलग अलग कमरे, अलग अलग अक्षांश और देशांतर में आएंगे, बहुत माइक्रो लेवल पर। तो वो अंतर आ जाता है, स्पेस का अंतर आ जाता है। अगर एक ही औरत के दो बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे हुए, तो देखेंगे उनके भाग्य कमोबेश एक ही जैसे होंगे, क्योंकि वह जो है डेट ऑफ बर्थ भी एक ही है, प्लेस ऑफ बर्थ भी एक ही है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ वहां थोड़ा सा अंतर तो हो ही जाएगा। एक बच्चा थोड़ा पहले जन्मेगा, एक बच्चा थोड़ा बाद जन्मेगा, तो ये जो है एक आध मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का फर्क आ जाएगा एक बच्चे से दूसरे बच्चे के जन्म, तो उसमें अंतर आ जाएगा। फिर अगर आप ये देखें कि अगर एक ही बच्चा है और उसके माँ को चीर करके, जुड़वा बच्चा है, माँ को चीर करके अगर ऑपरेशन, माँ के पेट के चीर दिया और उसे ऑपरेशन किया गया, तो भी दोनों बच्चे का भाग्य एक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। सब कुछ होते हुए भी, हालांकि उनका डीएनए एक हो सकता है, जुड़वा है तो डीएनए एक जैसा होगा, फिर भी उनके भाग, कर्म, उपलब्धियां एक जैसी नहीं होगी। एक
समान बिल्कुल नहीं होगी, थोड़ा सा अंतर तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि एक जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में बाई ओर है, एक है दाई ओर है, तो वहां पर अंतर आ गया। तो इस तरह से अंतर आ जाता है, तो वो एक ही नहीं होता है, तो बहुत देखा जाता है, वार देखे जाते हैं, किस वार को जन्मे हैं। तो और इतना ही नहीं देखा जाता है, इसके अलावा फिर यह भी देखा जाता है व्यक्ति का जो, और बहुत डिटेल्स है वो देखेंगे तो उसके जितने संबंध हैं उनकी भी कुंडलियां देखी जाती हैं। क्योंकि व्यक्ति की अपनी कुंडली का तो मायने मतलब है ही, इसके अलावा उसके और भी मायने मतलब हैं। हो सकता है कि एक कोई मेल हो, एक कोई फीमेल हो, जेंडर में भी अंतर आ जाता है, उसके कारण भी अंतर आ जाएगा। अगर महिला है पुरुष है दोनों में अंतर आ गया तो दोनों के भाग्य में अंतर आ जाएगा, लिंग भेद से भी अंतर आ जाता है, तो वह लिंग भेद भी देखा जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी देखा जाता है। इतने सारे अंतर हो जाते हैं, तो जो संभव नहीं है कि दो आदमी का एक ही हो, किसी भी दो व्यक्ति का ठीक ठीक एक ही नहीं होता, इसीलिए उन सबके भाग कर्म अलग होते हैं। तो खाली डेट ऑफ बर्थ से नहीं देखा जाता है, ये आपको गलत जानकारी है, पूरी सूचना नहीं है। जेंडर भी देखा जाता है, उनके माँ बाप का भी देखा जाता है, क्योंकि माँ बाप की भी कुंडली का प्रभाव पड़ेगा, तो माँ बाप की कुंडली का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा। एक ही समय में जन्मा है लेकिन उसके माँ बाप भिन्न है, तो उनके माँ बाप का असर भी आता है उसकी प्रगति में, उसके दादा तक का भी असर आता है, नाना का असर आता है, मामा का असर आता है, उसके भाइयों का असर आता है, बहनों का असर आता है, उसके मित्रों का असर आता है, उसकी पत्नी का असर आता है। तो व्यक्ति के जीवन में ये जितने भी लोग आए हैं इन सबकी कुंडली का असर आता है, इसीलिए जो वास्तव में सटीक जिसको विश्लेषण करना है उनको इन सबके कुंडली का अध्ययन करना होगा। मात्र उस व्यक्ति की कुंडली से आप उस व्यक्ति का नहीं बता सकते सब, क्योंकि उसका भाग्य निर्धारण सिर्फ अपने बल पर नहीं होगा, अपने शत्रुओं की कुंडली के आधार पर भी होगा। किसी किसी के शत्रु ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण उसका भाग बदल जाता है, किसी किसी के मित्र ऐसे मिल जाते हैं कि भाग बदल जाता है, किसी किसी को अनजान आदमी ऐसा मिल जाता है जिससे भाग बदल जाता है। तो वह अनजान आदमी जो विदेशी आदमी माना जाता है कुंडली के हिसाब से, तो उसका भी भाग्य, उसकी भी कुंडली देखी जाएगी, उससे उसका कितना प्रभाव है उस पर, वह भी असर आएगा। उसके गुरु की कुंडली देखी जाती है, शिक्षक की कुंडली देखी जाती है जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उनके दिशा निर्देश से, उनके गाइडेंस से उसका भाग बदल जाता है, तो उनकी कुंडली भी देखी जाती है। किस शहर में है वो, है उनके गुरु कौन है वो किस कंपनी में काम कर रहा है, किस सरकार में काम कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है, किस फर्म में कर रहा है, क्या फर्म का नाम रखा है, उससे भी उसकी कुंडली भाग देखे जाएंगे। तो सबका बदलता है, कोई राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन किया हुआ है, किस पार्टी में ज्वाइन किया, उस पार्टी का भाग्य क्या है, उसे भी देखा जाएगा, उस पार्टी की कुंडली से भी उसकी कुंडली का मिलान होगा, क्योंकि उसका भी तो प्रभाव होगा उस पर, वो जिस संस्था से जुटा हुआ है उसकी भी कुंडली का प्रभाव होगा। तो एक चीज से नहीं देखी जाती है, बहुत सारी चीजों को देख करके तब जा करके कैलकुलेशन जो जो ज्योतिष आचार्य करेगा वो सटीक कर पाएगा। सटीक फिर भी तो उसमें कुछ एरर तो रहेगा, लेकिन न्यूनतम एरर रहेगा। फिर तो इतनी कुंडली का विश्लेषण कौन भला कर सकता है, एक आदमी की कुंडली देखने में 6-6 महीना लग जाएंगे फिर तो, क्योंकि उसके शत्रुओं की कुंडली देखना, उसके मित्र की देखना, उसके गुरु की देखना, उसके शिक्षक की देखना, उसके दादा की देखना, उसके पिता की देखना, उसके माँ के, उसके भाइयों के, उसके बहनों के, उसके मामा के, इन सबकी कुंडली देखना इतना आसान नहीं है, और उस व्यक्ति का भी देखना, तो ये काफी जटिल प्रक्रिया है। और इस ब्रह्मांड में घटनाएं जो है काफी जटिलता से घटती हैं, तो उसमें ग्रह देखे जाते हैं, राशि देखी जाती है, नक्षत्र देखे जाते हैं, तो बहुत कुछ देखे जाते हैं। उसके बाद फिर जो है उसके विषय में कुछ बताया जाता है। तो जो आप समझ रहे हैं कि एक ही डेट ऑफ बर्थ में जन्म गया तो भाग एक होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ ज्योतिष गलत नहीं होता है, आपको इस विषय में इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करना चाहिए। हरिओम।